हेलो नमस्ते। और अभी बज रहे हैं 12:30 1। तो किचन की कुछ ज़रूरी काम है तो बस वही करने हैं। और सुबह का सारा काम हो चुका है, नहाना धोना, साफ़ सफाई, और नाश्ता भी कर लिया, और दोपहर के लंच के लिए सब्ज़ी भी बना कर रख दी। और उसके बाद बहुत ज़रूरी काम है क्योंकि बारिश शुरू होने वाली है, तो बारिश में चीज़ें जल्दी ख़राब होने लग जाती हैं। तो किचन का वही दालें मसाले वही चेक करके रखना है, और घर का सामान भी आया तो वो भी डब्बों में भर भर के रखना है। तो चलिए फिर गाइस शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और ये सब रैक खाली कर दिया, अच्छे से साफ़ सफाई कर दिया है, सारे डब्बे भी बाहर निकाल करके अंदर से भी अच्छे से क्लीन कर दिया सब। ये देखिए गाइस, सारे डब्बे बाहर निकाल के धो के साफ़ करके रख लिए हैं। तो ये घर का सब सामान आ चुका है जो ख़त्म हो गया था, और डब्बे सारे क्लीन करके मैंने धूप लगा के अच्छे से सुखा लिए थे साफ़ करके, और जो दालें ख़त्म हो गई थी वो दालें डब्बों में भर दी हैं, और जो मसाले ख़त्म हो गए थे वो भी मसाले डब्बों में भर दिए हैं, बाकी अच्छे से पैक करके ड्रम में भर के रख दिए। ये देखिए गाइस, ये देखिए, और रोज़ दालें यूज़ होने वाली तो मैंने सब डब्बों में रख दी हैं भर करके, जो डेली यूज़ होती हैं दालें बनती हैं रोज़, उनको मैंने डब्बे में भर के रख दिया ताकि निकालने में आसानी रहे। बाकी जैसे कभी कभी बनते हैं वीकली जो दालें बनती हैं वो कनस्तर में भर के रख दी हैं, हफ्ते में जो एक बार बनती है। और ये डब्बे मेरे कई साल पुराने हैं, कम से कम 15-20 साल पुराने ये डब्बे मेरे, हॉर्लिक्स के, बॉर्नविटा के। तो पहले इन्हीं डब्बों में आते थे, तो इन्हीं डब्बों को मैं कबाड़े में नहीं देती थी, रखती रहती थी इकट्ठे करके। और इनकी प्लास्टिक आज भी इतनी अच्छी है, मजबूत, ना ख़राब होते हैं ना चिपचिपे होते हैं प्लास्टिक, और अभी तक चल रहे हैं ये मेरे डब्बे। बाकी वो सब डब्बे खाली नहीं है, तो इनको सबको मैं इसमें कनस्तर में इसमें रख दूंगी। और ये मैंने साफ कर दिया, ये भी सही है।
दलिया बेसन है और मैदा और ये लेंगे जीरा। बाकी ये सब जितनी भी दालें बची हुई हैं उन सबके मैं इसमें काट कर दूँगी। इसमें बिस्किट नमकीन वगैरह सब रख दिए घर के। और ये जार अचार के लिए रख दिए हैं, धो करके अच्छे से साफ करके सुखा करके इसमें जब अचार डालूँगी तो इसमें अचार भर के रख दूँगी। और अब हो गया था लंच टाइम, तो आशु बना रही थी खाना बच्चों के लिए पराठे, क्योंकि रोटी नहीं खाते बच्चे, तो पराठे बना रही थी और अपनी रोटी और सब्जी नहीं खाते हैं तो मैक्रोनी बनाई उनके लिए, क्योंकि सब्जी तो सुबह हमने बनाई ली थी और बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाई थी। तो गाइज़ मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।